हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथी जी। इस लेक्चर में मैं आपको क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन के जो भी टॉपिक हैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन में फर्स्ट टॉपिक होता है टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन पर पहले ही मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिकें, टिप्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट सब कुछ बताया हुआ है, कैसे हम किसी रिलेशन को बताते हैं कि वो किस टाइप का होगा। ओके, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाकर आप जरूर देख लें। आपका टाइप ऑफ रिलेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और यकीन मानिए आप आसानी से उसका हर क्वेश्चन कर पाओगे। अब रह जाता है एक टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। दो फंक्शनों का कंपोजिशन कैसे फाइंड किया जाता है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बस वो वीडियो थोड़ा बड़ा है, 20-25 मिनट का होगा, आप केवल शुरू का देख लेना जहाँ तक कंपोजिशन निकालना बताया गया हो। ओके, क्योंकि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो कंपोजिशन पूछेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब बचते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन यानी 1-1-on-2 और एक इनवर्स फंक्शन कैसे निकाला जाता है। तो ये टॉप तीन टॉपिक है, इनके लिए शॉर्ट ट्रिक मैं आपको इस लेक्चर में बताता हूँ और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हालांकि ज़्यादातर चांस इन्हीं तीन टॉपिक पर क्वेश्चन का आने का होता है एग्जाम में। ओके, तो सबसे पहले देखिए 1-1-on-2 का जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से बनता है। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और उसका 1-1-on-2 एक साथ ही पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक फंक्शन दे देगा और 1-1 पूछेगा उसकी, एक फंक्शन दे देगा ऑन टू पूछेगा, नहीं, 1-1-on-2 एक साथ ही पूछ लेता है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही बनता है। तो पहले मैं बताता हूँ, अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाता है जो आपको 1-1 चेक करना है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक। ओके, देखिए, हालांकि 1-1 चेक करने के लिए बुकों में एक मेथड होता है या टेस्ट कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू लेके चलो और एक्स वन बराबर एक्स टू दिखा दो। कुछ स्टूडेंट को उसमें प्रॉब्लम भी आती है, नहीं वो चेक कर पाते और वो कभी फेल भी हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने, दो एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हुए हैं। मान लो अगर आपको मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया तो आप देखो उससे क्या चेक कर पाओगे, आप देख पाओगे एक्स वन बराबर एक्स टू, नहीं। ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस साइन एक्स, इसको चेक करना है, क्या टेस्ट से आप बता पाओगे, तो करके देख लेना, नहीं बता पाओगे। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उससे आप हर टाइप के फंक्शन को आसानी से 1-1 चेक कर लोगे। तो ये फंक्शन है fx, इसको हमें चेक करना है 1-1। और देखिए, एग्जाम में ज़्यादातर आपको फ्रैक्शन टाइप का फंक्शन ही दिया जाएगा, यानी रेशनल फंक्शन ही दिया जाएगा जो 1-1-on-2 पूछा जाएगा, ऐसा भी होता है। ओके, तो क्या करना है आपको, देखो 1-1 चेक करना बता रहा हूँ पहले में। तो y इक्वल टू जो गिवन फंक्शन है यानी एफ ऑफ एक्स बराबर, वो आपको लिखना है। और सिंपल ट्रिक है, आपको 1-1 चेक करना है तो इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करना है मतलब dy ओवर dx फाइंड कीजिए, जो भी रूल होते हैं उनसे। तो ये एक रेशनल फंक्शन है f अपॉन g टाइप में, तो यहाँ पर डिवीजन रूल लगेगा। डिवीजन रूल क्या कहता है कि जो नीचे वाला फंक्शन है वो एज ए दिस लिखो, इंटू जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यानी 1 माइनस, फिर उसके बाद जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको एज ए दिस और जो नीचे वाला है उसका डेरिवेटिव। तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। ये तो आप जानते ही होंगे, अरे एफ अपॉन जी का डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, इसका तो रूल आप जानते ही होंगे, है ना। तो उसी से किया है बस मैंने, और नीचे वाले का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, dy ओवर dx इज इक्वल टू फाइनल आ जाएगा। देखिए 1 की मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें तो x प्लस 1 ही आएगा और यहाँ से मुझे माइनस x मिलेगा, तो माइनस x से ये प्लस x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल मुझे बचेगा ऊपर 1 बचेगा और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस आपको गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है जिसको आपको 1-1 चेक करना है। अब डेरिवेटिव को देखकर आपको ये देखना है, अगर डेरिवेटिव x की किसी भी वैल्यू के लिए जीरो नहीं होता है, क्या बोला मैंने, आपको देखना है डेरिवेटिव, अगर आपका गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए जीरो नहीं होता है तो वो फंक्शन 1-1 हो जाएगा। ओके, अब इस फंक्शन को देखिएगा, ये जो फंक्शन है डेरिवेटिव है, ये एक्स की किसी वैल्यू के लिए जीरो होगा क्या, नहीं होगा। देखो एक और बात जान लो कि कोई फंक्शन जो फ्रैक्शन यानी रेशनल फंक्शन जो होता है इस टाइप में जो लिखा होता है जिनमें न्यूमरेटर होता है अपॉन में डिनोमिनेटर, उसको हमें देखना है कि वो कहाँ जीरो होगा। तो क्या देखते हैं हम, जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन होता है उसको देख लो, वो कहाँ पर जीरो होगा, ये ही बता देगा कि ये पूरा फंक्शन कहाँ जीरो होगा। तो ये 1/x+1 का होल स्क्वायर देखिए कहाँ पर जीरो होगा, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, जो ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है वो कहाँ जीरो होगा। तो 1 लिखा हुआ है, क्या 1 कहीं जीरो होगा, नहीं होगा, तो इसलिए ये कहीं पर भी जीरो नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, फंक्शन 1-1 हो गया। ओके, एक तो बात ये होगी, दूसरा मान लो ये x की किसी वैल्यू के लिए जीरो हो जाता, कम से कम एक वैल्यू के लिए भी जीरो हो गया, तो फिर फंक्शन 1-1 नहीं होगा। ओके,
अगर आपको x की किसी भी वैल्यू के लिए डेरिवेटिव जीरो नहीं होता है कहीं पर तो उस केस में फंक्शन 1-1, और अगर x की एक भी वैल्यू आपको मिल गई तो फंक्शन 1-1 नहीं होगा। और ये कैसे देखना है, फंक्शन जीरो कहाँ होगा कहाँ नहीं, आप क्या देख लेना, न्यूमरेटर देख लेना उस डेरिवेटिव का। ओके, तो 1-1 आप आसानी से बता दोगे। तो ये फंक्शन क्या है, 1-1 है, तो इसे आप नोट कर लें। अब बात करते हैं ऑन टू कैसे चेक करना होता है। देखिए y इज इक्वल टू फंक्शन हमें चेक करना है ये ऑन टू, इस फंक्शन से ही आप सभी फंक्शनों को ऑन टू चेक कर लोगे। तो इसका केवल एक ही कॉन्सेप्ट होता है ऑन टू चेक करने का, कि आपको देखना होगा कि ये जो फंक्शन है इसकी रेंज आपको निकालनी होगी, और देखना होगा अगर इस फंक्शन की जो भी फंक्शन आपको ऑन टू चेक करना है उसकी रेंज फंक्शन के डोमेन कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो उस केस में फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, और अगर उसकी रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। कोडोमेन आपको दिया जाएगा एग्जाम में, कोडोमेन आपको दिया जाएगा, ये जो फंक्शन ऐसे डिफाइन किया जाता है ना इसको तो बोलते हैं हम डोमेन, ये पहला वाला जो होता है ये इंटरवल, और जो सेकेंड होता है ये होता है कोडोमेन। तो कोडोमेन एग्जाम में मिलेगा और रेंज आपको निकालनी होगी बस। तो रेंज कैसे निकालती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो कैसे निकालते हैं रेंज, रेंज निकालने के लिए आपको y बराबर वो फंक्शन लेना है, और यहां से क्या करना है मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आपको x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म में। तो कैसे निकालेंगे हम, जब हमें x निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। मैंने क्या कहा, x निकालना है आपको। ओके, तो x निकालना है तो इसे इधर पहुंचा देते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो यहाँ से x हमें निकालना है तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको y की फॉर्म में इस तरह से निकालनी है। क्या करना है रेंज निकालने के लिए, y बराबर उस फंक्शन को लेना है जो कि होता ही है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है y की फॉर्म में इस तरह से। ओके, तो ये निकाल ली। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो y आया है, y वाला जो फंक्शन आता है, यानी इस तरह की आपको मिल जाएगी ये, यानी x बराबर फाई ऑफ y, इस तरह का आपको सिचुएशन बनानी है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, ये जो आपका फंक्शन ऑफ y आएगा इसका डोमेन लिखना है, और डोमेन लिख लेना, जो डोमेन आएगा वही इस फंक्शन की रेंज हो जाएगा। तो आप डोमेन देखो लिख सकते हो। तो डोमेन क्या होता है, बेसिकली किसी फंक्शन का x की उन वैल्यूओं का सेट होता है जिन पर फंक्शन एक फाइनाइट रियल नंबर देता है। अगर आपको कुछ x की वैल्यू ऐसी मिल रही है जिन पर फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू देता है तो वे डोमेन में पॉइंट नहीं आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो नीचे मुझे क्या मिलेगा, 1/0, जो कि क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है y हमारा 1 यहाँ पर नहीं होगा। तो रेशनल फंक्शन में बेसिकली आपको देखना होता है, जो रेशनल टाइप में होती है, कि नीचे वाला फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो जिन पॉइंटों पर जीरो होगा उन पॉइंटों को निकाल दो, उसके अलावा आपको डोमेन मिल जाएगा। तो वाई एक तो हमारा क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं होगा, होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्लियर है। और आपको क्या देखना है, वाई की वे वैल्यूएं और लेनी है जिन्हें मैं यहाँ पर पुट करूँ और वो एक्स की वैल्यू के बराबर हो जाए, मतलब x की वैल्यू मतलब जीरो से इन्फिनिटी में आनी चाहिए। क्योंकि x हमारा देखिए क्या होता है, किसी फंक्शन में डोमेन का पॉइंट होता है ना, और डोमेन हमारे यहाँ पर क्या है, जीरो से इन्फिनिटी है। ओके, ये देखना है आपको। तो y की ऐसी वैल्यू यहाँ से लेनी है जिन्हें मैं यहाँ पर पुट करूँ इस फंक्शन ऑफ y में, तो जो भी वैल्यू निकल कर आएंगी वो x की वैल्यू में ही बिलोंग करनी चाहिए, मतलब डोमेन जो इस फंक्शन का डोमेन है उसमें बिलोंग करनी चाहिए। x हमारा कहाँ बिलोंग करता है, डोमेन में करता है ना, तो जीरो से इन्फिनिटी ही वैल्यू आनी चाहिए। तो y मेरा एक तो नॉट इक्वल टू 1 होगा यहाँ पर, और एक y मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा और लेस देन 1 हो जाएगा यहाँ पर। कैसे, देखिए अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी x मेरा 0 मिल जाएगा। तो सही तो है, x मेरा 0 है यहाँ पर, क्लियर है। और अगर मैं y 0 से बड़ी वैल्यू लेता हूँ तो आप पुट करके देख लीजिए, सारी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी में ही जाएंगी, बट मैं 1 नहीं ले सकता। 1 क्यों नहीं लेना मुझे, क्योंकि 1 पर ये इन्फिनिटी वैल्यू देगा, जबकि इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं होता। ओके, ये ओपन लगा हुआ है। और 1 से वैल्यू बड़ी अगर मैं लेता हूँ तो देखिए, अगर मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ y की वैल्यू, तो 2/1-2 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -2। तो क्या -2 इसमें बिलोंग करता है 0 से इन्फिनिटी में, नहीं, इसमें तो सारी पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस तरह से हमारा y केवल क्या होगा, y हमारा बिलोंग करेगा क्लोज 0 से ओपन 1 में। और ये जो इसका जो डोमेन आया, ये यही हमारा ये जो फंक्शन है इसकी रेंज हो जाएगा। ओके, यही क्या हो गया, रेंज हो जाता है किसकी, ऑफ फंक्शन f(x) की, इस फंक्शन की रेंज हो गया। अब इसको देख लीजिए,
ये जो रेंज आई है, जो गिवन फंक्शन है, उसके कोडोमेन के बराबर है क्या? देखिए कोडोमेन 0 से इन्फिनिटी है और रेंज क्या है? किलो 0 से 1, यानी कि हमारा कोडोमेन नॉट इक्वल टू है फंक्शन की रेंज है, तो फंक्शन हमारा नॉट ऑन टू नहीं होगा। ओके, सो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 1, बट नॉट ऑन टू। ओके, तो इसको आप नोट कर लें। अब देखिए बात आती है इनकी, जो मैंने अभी ये टेस्ट बताया था डेरिवेटिव टेस्ट 1 1 ऑन टू के लिए, 1 1 के लिए आप इस फंक्शन का खुद ही चेक करना। इसका देखो मैं बता देता हूँ, अब y इज इक्वल टू, देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस साइन एक्स, इसको हमें 1 1 चेक करना है। तो आप अपना ये वाला टेस्ट लगा के चेक करना, क्या बता पाओगे? ये हम लेके चलते हैं और हमें दिखाना होता है एक्स वन बराबर एक्स टू, तो इसे लेकर चलना और देखना कि आप चेक कर पाओगे नहीं। और मैंने क्या बताया था, डेरिवेटिव करना है आपको, तो डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस एक्स। बस डेरिवेटिव को देखना है, क्या ये किसी एक्स की वैल्यू के लिए जीरो होगा? तो अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा है तो इसको जीरो करके देख लेना, जीरो, तो कॉस एक्स बराबर क्या आ जाएगा? माइनस टू। क्या ये एक्स की किसी वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है? नहीं, एक्स की किसी वैल्यू के लिए जीरो नहीं हो रहा, क्योंकि कॉस एक्स कभी भी माइनस टू नहीं होगा। कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस वन होती है, उससे कम नहीं होती है। तो ये किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए जीरो नहीं हो रहा है। अगर आपको नहीं है तो यहीं देख लो, एक्स कहाँ पर है? यहाँ पर है, यानी मुझे एक्स ऐसा चाहिए जहाँ पर कॉस एक्स माइनस टू हो जाए। भाई टू में से मैं अगर ये वाला टर्म, ये मुझे पूरा जीरो बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टू माइनस टू तो ही करना पड़ेगा, यानी कॉस एक्स माइनस टू होना चाहिए, जबकि कॉस एक्स तो किसी भी एक्स के लिए माइनस टू नहीं होता। तो ये फंक्शन कहीं पर भी जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। इसको चेक करना खुद ही, डेरिवेटिव करके जीरो करना। वैसे दिख रहा है ये, जब आप डेरिवेटिव करोगे और जीरो के इक्वल रखोगे तो ये 2 डिग्री का पॉलीनोमियल मिलेगा, जिसके आपको रूट आसानी से मिल जाएंगे, यानी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जहाँ पर ये इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। इसलिए ये 1 1, ये वाला फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, इन्वर्स फाइंड करना। देखिए इन्वर्स फाइंड करना बिल्कुल ईजी है, अभी मैं बता चुका हूँ कैसे फाइंड करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि फाइंड द इन्वर्स, मान लो इसी फंक्शन का आपको दिया जाता है, तो जो फंक्शन दिया जाए उसको लिखना है वाई इज इक्वल टू जो भी फंक्शन है एक्स प्लस वन, मान लो इसका आपको इन्वर्स फाइंड करना है। तो वही ट्रिक आपको अपनानी होती है, ट्रिक क्या मेथड ये है, ये वैसे क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में फाइंड करनी होती है। तो फाइंड करते हैं, अभी फाइंड की थी एक्स प्लस वन वाई इज इक्वल टू एक्स, तो हमारा एक्स यहाँ से क्या आया था? वाई अपॉन ये आया था, इधर जाएगा ये, 1 - y आया था। ओके, ये आया था, बस यही इन्वर्स हो गया। ये जो फंक्शन ऑफ y होता है, ये जो फंक्शन ऑफ y है, इट इज यही है, क्या है? इन्वर्स ऑफ ये इस वाले फंक्शन, जो भी फंक्शन का इन्वर्स पूछा गया है उसी का ये इन्वर्स होगा। आप देख रहे होगे इसमें तो x है नहीं, तो क्या है, x पुट कर लेना y की जगह, बस आपको रिप्लेस करना है y की जगह x। तो ये जो है 1 - x, x अपॉन 1 - x किसका इन्वर्स है? x अपॉन x प्लस 1 का। ओके, तो इन्वर्स आप इजीली फाइंड कर पाओगे। क्या करना है आपको, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको y इक्वल टू लिखना और x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लेना। तो आपको जब x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लोगे इस तरह से, तो आपको एक फंक्शन ऑफ y मिलेगा, यही गिवन फंक्शन का इन्वर्स होगा। बस आपको क्या करना है, y की जगह x पुट कर लेना है, क्योंकि फंक्शन हमारे किस में लिखे होते हैं? x में। तो इस तरह से आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारे टॉपिक कवर हो गए, इन्हें आप नोट कर लें ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर।